प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका था। वो गाड़ी से उतरने ही वाले थे, लेकिन अचानक भीड़ सामने आ गई। जान को खतरा हो सकता था। एसपी जी परेशान, हैरान, अब क्या करे, कैसे बचाए प्रधानमंत्री की जान। फिर अचानक गोली चली, धाए धाए धाए, भीड़ तितर बितर, एक युवक की मौत। लेकिन शुक्र है पूर्व प्रधानमंत्री सुरक्षित रहे। दोस्तों, ये कोई फिल्म कहानी नहीं, बिल्कुल सच्ची कहानी है। साल 2000 की बात है, स्टूडेंट का एक जत्था जबरदस्ती उस ट्रेन कंपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करने लगा जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर यात्रा कर रहे थे। उस समय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को एसपी जी सुरक्षा मिली हुई थी। तब पूर्व प्रधानमंत्री को भी यह सुरक्षा हासिल होती थी। ट्रेन सादत स्टेशन पर रुकी हुई थी। यह स्टेशन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। सुरक्षा कर्मी ने स्टूडेंट को हटाने की कोशिश की, लेकिन इसमें अफरा तफरी फैल गई। स्टूडेंट की भीड़ और बेकाबू हो गई। तब एसपी जी को फायरिंग करनी पड़ी। इसमें एक छात्र मारा गया जबकि एक अन्य घायल हो गया। बाद में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के साथ एक और हादसा हुआ। मगध एक्सप्रेस से वो जब नई दिल्ली से बलिया जा रहे थे, तभी उनकी विंडो खिड़की में तेज आवाज हुई। ये हादसा वर्ष 2003 में हुआ था। सीनियर जर्नलिस्ट रमेश परिडा ने अपने फेसबुक पेज पर उस घटना का जिक्र किया, जबकि 1991 के लोकसभा चुनाव के समय तत्कालीन पीएम चंद्रशेखर के काफिले पर बिहार में बीजेपी के लोगों ने पथराव किया था। तब बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। उस वक्त कोई हाय तौबा नहीं मचा।